तो हे गाइस, आज की वीडियो में कंपैरिजन करने वाले कांगारू स्टेपलर का तोहफा से मेरे पास कांगारू का HP45 स्टेपलर, जिसकी MRP आप देख सकते हो 335 इसकी MRP है। देन सेकंड नंबर का जो स्टेपलर है ये है कांगारू का HD10D स्टेपलर, जो कि काफ़ी पॉपुलर स्टेपलर है, जिसकी MRP हमें 75 रुपीज़ देखने को मिल जाती है। आज हम इसको कंपैरिजन करके देखेंगे ताकि आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेपलर ले सकते हैं। हम इसमें कंपैरिजन करने वाले हैं कि हम दोनों स्टेपलर में कितने पेजेस को हम पिनअप कर सकते हैं और कैसा इसका यूज़ होने वाला है। तो फर्स्ट नंबर का हम स्टेपलर लेने वाले हैं HD10D। तो चलिए इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो इसका लुक, ये तो आपने देखा ही होगा, काफ़ी पॉपुलर स्टेपलर है। अगर आप इसे पिन के लिए यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ऐसा इसको पकड़ना पड़ेगा और इस तरह आप इसको खींचेंगे। पिन फिल करने के लिए आपको इसके बाद इसको पकड़ना होगा और इसा खींचेंगे आप और ऊपर की साइड आप इसे पुश करेंगे, सॉरी ये इस तरह इसे पुश करेंगे ताकि आप पिन को फिल कर सके, ये ऐसा ऊपर रह जाएगा। पिन फिल करने के लिए आपको लेना होगा कांगारू का 10 नंबर की पिन, जिसकी MRP हमें देखने को मिल जाती है 12 रुपीज़, इसमें हमें MRP देखने को मिलती है। और इस पिन के अंदर हमें 1000 स्टेपलर की पिन देखने को मिलती है। चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ और इस तरह आप ये एक पिन को ले लेंगे। इसके बाद ही आपको स्टेपलर को यहाँ पर पिन नहीं डालना है, पिन आपका यहाँ पे नहीं जाएगा। पिन डालने के लिए आपको यहाँ से पिन जाएगा, ये पिन आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप इसको ऐसा आगे की साइड पुश करेंगे, इसके बाद आप इसको इस तरह लॉक कर देंगे तो आपका पिन फिल हो चुका है। इसके बाद आपको इसको ऐसा पकड़ना है और आपको इसको इस तरह पुश करना है। तो ये आपका, जब आपको साउंड आएगा यानी ये लॉक हो चुका है, अब आपका स्टेपलर यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। तो ये हो गया कांगारू HD10 का पिन फिल करने का प्रोसेस। देन हमारे पास है कांगारू का HP45 स्टेपलर, चलिए मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो ये इसका कुछ लोग, ये बिग साइज़ में बनाया हुआ है, पूरा फुल इसकी बॉडी जो है मेटल बॉडी बनाई हुई है और ऊपर से एक प्लास्टिक का मैट फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है कांगारू की, HP45 मेंशन भी किया हुआ है। अब इसको किस तरह इसमें पिन फिल करना है ये आप थोड़ा ध्यान से देखना, चलिए मैं आपको इसका बैक साइड का भी लुक दिखा देता हूँ। पिन फिन करने के लिए सबसे पहले आपको ये इस पार्ट को इस तरह दबाना पड़ेगा, तो ये आपको देख सकते हो ऑटोमेटिक नीचे आ गया, ये नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपको इसको ऐसा पकड़ना है, वापस इसको यहाँ से प्रेस करके रखना है, ये अंगूठे से आपको प्रेस करना है। इसके बाद आपको इसको ऐसा ऊपर करेंगे तो आपका पिन का जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप इसको ऐसा टर्न करना है, फिर इसको पकड़ना है, इसके बाद इसको पकड़ के आप इसको ऐसा खींचेंगे तो आपका पिन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। पिन का सेक्शन ओपन होने के बाद आपको पिन डालना पड़ेगा। तो इसमें पिन जो जाने वाली है वो है कांगारू की 24/6 पिन हम इसे कहते हैं, और इसकी MRP जो है ये आप देख सकते हो 25 रुपीज़ इसकी MRP देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें 1000 स्टेपलर की पिन देखने को मिलती है। चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ और ये आप देख सकते हो इसमें पिन का जो साइज़ है वो भी थोड़ा बिग साइज़ देखने को मिल जाता है, नंबर भी बड़ा है और पिन की साइज़ भी बड़ी है और स्टेपलर की साइज़ भी बड़ी देखने को मिलती है। देन हमारे स्टेपलर को हमें ऐसा पकड़ना है, आप इसे ऐसा करके इस तरह ये आपकी छोटी उंगली से ऐसा पकड़ लेंगे। इसके बाद आपकी जो पिन है उसको आप यहाँ पे रख सकते हो, इसमें जो स्पेस है आप कहीं भी रख सकते हो। वो HD जो 10 था उसमें आगे नहीं रखना होता है, पीछे की साइड रखना होता है। इसके बाद आप इसको ऐसा छोड़ेंगे, देन इसके बाद इसको वापस अंगूठे से प्रेस करना है और ये वाले पार्ट को आपको ऐसा दबा करके आगे खींचना है। ये आपका, इसके बाद आपको इसको लॉक कर देना है, सॉरी ये गिर गया मुझसे, थोड़ा लॉक कर देना है तो आपका पिन यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। तो ये था दोनों का पिन फिल करने का प्रोसेस। अब हमें देखना है कि इन दोनों में हम कितने पेजेस को पिनअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले ट्राई कर लेता हूँ HD10 को, इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ ताकि हमें थोड़ा स्पेस देखने को मिल जाए। ये है मेरे पास 5 पेजेस का, मैंने पेज रखा है, ये आप देख सकते हो 1 2 3
फोर नहीं फाइव, ये फाइव पेजेस है और ये पेपर की जो थिकनेस है वो 70 GSM है। आप नॉर्मल यूज भी करते हो किसी डॉक्यूमेंट्री में तो मोस्टली 70 GSM यूज किया जाता है, तो ये पेपर भी मैंने 70 GSM लिया है, फाइव पेजेस है। तो चलिए मैं इसको पिनअप करके देख लेता हूँ। ये मैंने फाइव पेजेस पे पिन किया तो ये आप देख सकते हो कितनी इजीली पिन हो गया, ये काफ़ी बढ़िया तरीके से लॉक भी हो चुका है, ये आप देख सकते हो। चलिए फाइव पेजेस पे पिन हो गया है तो मैं थोड़े पेजेस बढ़ा देता हूँ। इसके बाद मैं 10 पेजेस पे करके देख लेता हूँ ताकि पता चले कि 10 पेजेस पर हमें कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये मैं मैं इसको बैक साइड से करता हूँ ताकि पता चले दोनों का रिजल्ट कैसा आया। ये आप देख सकते हो इसमें भी सेम रिजल्ट आया, 5 पेजेस पे भी और 10 पेजेस पे भी काफ़ी बढ़िया तरीके से ये पिनअप हो चुका है। देन हम यूज़ करने वाले हैं HP 45 को, इसको भी हम 5 पेजेस पे यूज़ करेंगे। 5 पेजेस हमारे पास पूरा सेट बना के मैंने रखा है। चलिए मैं इसको भी पिन कर देता हूँ और देख लेता हूँ इसका रिजल्ट कैसा देखने को मिलता है। इसको आपको पिन करने के लिए ऐसा दबाना होगा, ये मैं इसको दबा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो कितना इजीली एकदम स्मूथली मैंने बिना ताकत से इसको प्लेस किया है तो भी कितनी बढ़िया तरीके से पिन हो गया है। और इसकी साइज़ आप देख सकते हो थोड़ी बड़ी साइज़ की पिन है। देन इसमें हम और 5 पेजेस बढ़ा देंगे तो चलिए इसके बाद भी रिजल्ट देखेंगे हम कैसा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ये मैंने 5 पेजेस और बढ़ा दिया है। इसके बाद आप देख सकते हो 10 पेजेस में भी इसमें काफ़ी स्मूथली ये पिनअप हो चुका है। ये देख सकते हो दोनों का रिजल्ट आपके सामने है, दोनों में 10 पेजेस में काफ़ी स्मूथली बड़ा रिजल्ट देखने को मिला। इसके बाद हम 5 पेजेस और बढ़ाने वाले हैं। ये 5 पेजेस मैंने और बढ़ा दिया है। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ स्टेपलर HD 10। ये अब मैं इसे यूज़ करने के लिए ऐसा प्रेस करूँगा। 15 पेजेस में थोड़ा सा ये आप देख सकते हो ये बराबर से लॉक नहीं हुआ है, लगभग मेरे हाथ से थोड़ा सा प्रेस नहीं हुआ होगा। चलिए मैं इसको और एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ये मैंने यूज़ किया, वाओ 15 पेजेस में भी ये काफ़ी परफेक्टली पिनअप हो चुका है, एकदम परफेक्ट लॉक हुआ है आप देख सकते हो। इसके बाद मैं HP 45 को यूज़ करने वाला हूँ। चलिए इसको भी यूज़ करते और ये आप देख सकते हो इसमें भी 15 पेजेस में एकदम परफेक्ट लॉक हो चुका है, ताकि इसमें मुझे अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा ना HP 45 में और ना ही HD 10 में। चलिए 5 पेजेस हम और बढ़ाने वाले, ये 5 पेजेस और बढ़ा दिया ताकि पता तो चले कि कितने मैक्सिमम हमें कितने पेजेस तक हम पिनअप कर सकते हैं। चल 5 पेजेस और बढ़ा दिया। अब मैंने यूज़ किया HP 45, वाओ 45 में HD 10 में भी 20 पेजेस तक लॉक हो गया है, काफ़ी परफेक्ट लॉक हुआ है। और यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर मेंशन भी किया है कि आप 20 शीट को पिनअप कर सकते हैं, तो ये काफ़ी परफेक्ट लॉक हुआ है आप देख सकते हो 20 पेजेस के ऊपर। और एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, कभी कभी ये पिन बराबर नहीं लगता है, वो पिन का प्रॉब्लम भी होता है या फिर हमारे दबाने में भी प्रॉब्लम होता है। ये आप देख सकते हो ये पिन थोड़ा सा ओपन हो चुका है, मतलब परफेक्टली ये लॉक नहीं हुआ है, इसके लिए मुझे यहाँ से इसे टोकना पड़ेगा ताकि मेरे हाथ में लगे नहीं, वरना ये हाथ में काफ़ी डेंजरस लग जाता है। तो एक और बार मैं ट्राई करने वाला हूँ, मैक्सिमम 20 पेजेस का दिया हुआ है तो ये आप देख सकते हो 20 पेजेस पे काफ़ी परफेक्ट लॉक हो रहा है। इसके बाद मैं इसके अंदर 25 पेजेस ऐड करने वाला हूँ, अब देखता हूँ इसका रिजल्ट कैसा देखने को मिलता है। वाह 25 पेजेस पे भी लॉक हो चुका है, लेकिन अगर आप रेगुलर यूज स्टेपलर यूज़ नहीं करते तो आपसे शायद ये ना लगे। मैं डेली यूज़ करता हूँ स्टेपलर, इसके लिए मैं 25 को एकदम ईजिली लॉक कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप डेली यूज़ नहीं करते हो तो आप ये 25 पेजेस को लॉक नहीं कर सकते। लेकिन आप देख सकते हो ये परफेक्टली लॉक नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे इसे ठोकना पड़ेगा, लेकिन 20 पेजेस तक एकदम परफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब आप HD 10 में 20 पेजेस तक परफेक्ट पिनअप कर सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 20 पेजेस तक हम पिनअप कर सकते हैं। देन हमारे पास से हमने इसमें 5, 10 एंड 15 पेजेस इसमें यूज़ किया, इसके बाद हम इसको 20 यूज कर देंगे। चलिए इसका मैं रिजल्ट देखता हूँ, ये देख सकते हो इसमें भी एकदम परफेक्ट 20 पेजेस में हो गया। इसके बाद हम 25 करने वाले हैं, 25 में कर देता हूँ। वाओ 25 में भी आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट हो गया है। इसके बाद मैं इसको 30 कर देता हूँ ताकि पता चले कि मैक्सिमम कितना पेजेस हो रहा है। वाओ आप देख सकते हो 30 पेजेस के अंदर भी एकदम परफेक्ट लॉक हो चुका है, इसमें एक पिन थोड़ा सा ओपन हो चुका है, ताकि मुझे इसलिए मुझे और एक बार एक ट्राई करना पड़ेगा।
वाओ, ये देख सकते हो 30 पेजेस के अंदर भी ये परफेक्ट लॉक हो रहा है। इसमें मैक्सिमम मुझे लगता है 30 पेजेस ही होता है इसकी लिमिट के हिसाब से। चलिए मैं इसमें देख लेता हूँ मेंशन क्या है। हाँ, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 30 पेजेस का, आप इसमें मैक्सिमम 30 पेजेस लॉक कर सकते हो। इसके बाद मैं इसमें 35 पेजेस ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसे पिन करने की कोशिश करता हूँ, नहीं 35 पेजेस में ये परफेक्टली लॉक नहीं हुआ है, लेकिन ये पेज फोल्ड हो गया है, इसलिए मैं और एक बार ट्राई करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो 35 पेजेस में भी पिन लॉक हो चुका है, लेकिन परफेक्टली नहीं हो रहा है, आपको इसे ठोकना पड़ेगा, लेकिन 30 पेजेस में आप परफेक्ट पिन कर सकते हैं। तो ये था कांगारू स्टेबलर का कंपैरिजन। अब आपने जान लिया कि HP 45 और HD 10 में आप कितना पिनअप कर सकते हो। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेबलर लेना चाहिए। तो ये था कांगारू स्टेबलर का कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।